आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से महिला व बाल कल्याण विभाग स्त्री मुक्ति दिन यानी कि क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले के जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन भिवंडी के स्वर्गीय राजैया गाजंगी हॉल में किया। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वहां पर दीप उज्ज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महिला बाल कल्याण की सभापति उनके हाथों वहां पर दीप उज्ज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऐसे में वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त मनोहर हीरे, अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखाम, स्थायी समिति के सभापति मदन बुआ नाइक, महिला बाल कल्याण की सभापति शबनम महबूब रहमान अंसारी, भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी, नगर सेवक विकास निगम अशोक भोसले, ऋषिका पपूरा का कामिनी रवि पाटिल, साफ मोमिन मुन्ना भाई, महबूब रहमान अंसारी, मनपा के उपायुक्त वंदना गुड़वे, आरोग्य विभाग की अधिकारी विद्या शेट्टी, शहर अभियंता LP गायकवाड़ के साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पंडरीनाथ वेखंडे वहां पर उपस्थित थे। आप देख सकते हैं कि ऋषिका पपूरा का जो कि नगर सेविका है उनके हाथों से दीपोज्वलन किया गया। सभी के अंदर जो एक उत्साह देखने को मिला वो वाकई तारीफ के काबिल है। हम आपको बता दें कि विशेष तौर पर क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले जी के जयंती के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विशेष तौर पर महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया वो वाकई तारीफ के काबिल थी। सबसे पहले वहाँ पर स्वागत गीत किया गया, उसके बाद वहाँ पर हम आपको बता दें कि क्रांति ज्योति बाई सावित्री बाई फुले की एक पेंटिंग को वहाँ पर उद्घाटन भिवंडी महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं मनोहर हीरे जी और जो स्थायी समिति के सभापति हैं मदन बुआ जी नाइक उनके हाथों से वहाँ उद्घाटन किया गया। वहाँ पर आए हुए सभी मान्यवरों का स्वागत आप देख सकते हैं कि उपायुक्त पंडरीनाथ वेखंडे साथ ही साथ उपायुक्त वंदना गुड़वे विद्या शेट्टी जी ने पुष्प गुच्छ देकर सभी आए हुए मान्यवरों का स्वागत किया। विशेष तौर पर यह कार्यक्रम स्त्री मुक्ति दिन के उपलक्ष्य में रखा गया था जहां पर भारी तादाद में महिलाएं उपस्थित थी। कई ऐसे कलाकारों ने अपनी कला को प्रकाशित कर लोगों को आकर्षित किया। ऐसे में सभी लोगों ने वहां पर आए हुए मान्यवरों का आभार प्रकट करते हुए जैसे कि वहां पर आए हुए मुख्य अतिथि मनोहर हीरे जी, स्थायी समिति के सभापति मदन बुआ नाइक, उपायुक्त वंदना गुड़वे, विद्या शेट्टी जी ने हमारे चैनल के माध्यम से विशेष तौर पर स्त्री मुक्ति दिवन दिन के शुभ उपलक्ष्य में महिलाओं को संदेश देते हुए क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। नाव इथ घेऊन आपला वेळ वाया घालवणार नाही। मला थोडी एक जिल्हाधिकारी कार्यालयात मीटिंग असल्यामुळे मी थोडी घाई करून इथून निघतोय, परंतु या कार्यक्रमात बसल्यानंतर आणि आराध्याचे भाषण ऐकल्यानंतर असं वाटत होतं की हा कार्यक्रम पूर्ण करूनच जावं, परंतु ते शक्य होताना दिसत नाही। आराध्याला बघून मला आपल्या टीव्हीवर चालू असलेला कार्यक्रम सूर छोटे सूरवीर याच्यामधला हर्षद आठवला आणि आपल्या भिवंडीमध्ये हर्षद आहे त्याचा आपल्या सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे। उपस्थित सर्व बंधू भगिनींनो, मी या जयंती निमित्त सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि हा चांगला कार्यक्रम आपण येथे आयोजित केलेला आहे। काही दिवसापूर्वीच आपण सर्वसाधारण सभेमध्ये जाऊन महिला बाल कल्याण समिती मार्फत महिलांसाठी आणि मुलांसाठी विविध योजना आणि त्यासाठी तरतूद करून घेतलेली आहे। मला वाटतं मागच्या वेळेस महिला बाल कल्याण समिती जी विधानमंडळाची समिती आहे त्यांनी आपल्याकडे भेट दिली होती आणि त्या भेटीमध्ये त्यांनी बऱ्याच सूचना केल्या होत्या। त्या सूचनांचं या पुढील 3 महिन्यामध्ये मार्च अखेरपर्यंत या समिती मार्फत कार्य व्हावं आणि महिलांसाठी आणि मुलांसाठी चांगल्या योजना आपल्या शहरामध्ये महानगरपालिकेतर्फे राबवाव्यात, या विभागाने त्याच्यात पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा इथे व्यक्त करतो। मी जास्त वेळ न घालवता मला वाटतं माझ्याबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की मनोहरांना हिरे पाडण्याचं
मला वाटतं भिवंडीमध्ये सर्वच हिरे आहेत आणि त्याला फक्त पहिलू पाण्याचं काम आपल्या सर्वांना करायचं आहे. ते माझ्या एकट्या दुकट्याचं काम नसून आमच्या महानगरपालिकेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं काम नसून सर्व नागरिकांचा त्याच्यामध्ये मोठ्या हिरिरीने पुढाकार घेणं आवश्यक आहे. नक्कीच या सर्व भिवंडीला भिवंडीतील राहणाऱ्या सर्व हिऱ्यांना पैलू पडतील आणि आपलं शहर उजळून निघेल अशी अपेक्षा या स्मृती दिनानिमित्त व्यक्त करतो आणि शुभेच्छा देऊन माझे दोन शब्द संपवतो. महिला बाल कल्याण समितीच्या सभापती उपसभापती नगरपालिकेच्या सर्व प्रशासक आणि तमाम माझ्या भिवंडीच्या माय बहिणी सगळ्यांना मदन कुमार बाईंचा सगळ्यांना नमस्कार. आज या महिला बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून सावित्रीबाई फुले यांच्या 178 व्या जयंतीचा अतिशय चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम आयोजित केलेला आणि सर्व महिला मंडळांनी या ठिकाणी या कार्यक्रमाला उपस्थित दाखवली त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन करतो. सावित्रीबाई फुले यांच्या विषयी जर बोलायचं म्हटलं तर जवळजवळ पावणे दोनशे वर्ष झाली महिला शिक्षणापासून वंचित राहिल्या होत्या. त्या काळामध्ये मनोमाली संस्थेचा फार मोठा पगडा होता. ते मनोमाली संस्थेचे लोक महिलांना शिकण्यासाठी प्राधान्य देत नव्हते. पूर्वी काय होत, बाई चूल आणि मूल हे फक्त बाईसाठी संबोधलं जात होत, परंतु बाया शिक्षणाच्या माध्यमामध्ये येतील आणि त्या पुढे जातील हा सावित्रीबाई फुले यांचा अटल विश्वास होता. परंतु सावित्रीबाई फुले ज्यावेळेला पुण्यामध्ये शाळेत जात असताना त्या शिक्षिका होत्या. त्या शिकवायला जात असताना दोन साड्या पिशवीमध्ये न्यायच्या. एक साडी अंगावर असायची, एक साडी पिशवीत असायची. जाताना तिच्या अंगावर माती दगड धूळ चिखल फेकत होते. बाई शाळेमध्ये गेली की साडी बदली करायची, पुन्हा येताना चिखल माती फेकायची. लोक या मधुमाती संस्थेने सावित्रीबाई फुले यांना एवढा त्रास दिला, परंतु बाई या किंचित आपला मनोधैर्य घडू न देता या किंचित जगाची लाज पर्वा न करता त्या या समाजाला शिक्षण देत राहिल्या. फार मोठा अडल विश्वास होता. महिलाओं को चाहिए कि महानगर पालिका की तरफ से, राज्य शासन की तरफ से, केंद्र शासन की तरफ से जो महिला सक्षमीकरण की विविध योजनाएं लाई जा रही है इनका लाभ ले, अपनी शैक्षणिक सामाजिक उन्नति करें और एक महिला दूसरी महिला का साथ दे. और अब टाइम ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ महिलाओं को एजुकेट करना है, अब टाइम ऐसा आ गया कि हम महिलाएँ अपने घर में अपने बच्चों को अपने भाइयों को ये बताएं कि अगली बार जो अभी ये प्रोग्राम आपने देखा होगा महिला सक्षमीकरण का बहुत अच्छा आयोजन यहाँ किया है महिला बाल कल्याण विभाग की तरफ से. हम चाहेंगे कि अगली प्रोग्राम में इसमें सारे पुरुष ऑडियंस हो जिनको ये समझना है कि अब ये ना सिर्फ महिला के बस का है. जब तक सारा समाज इसके अंदर एक साथ एकजुट होकर काम नहीं करेगा तो सही मायने में हम महिला सशक्तिकरण को हासिल नहीं कर पाएंगे. ये यहाँ पे आज जो महिला मुक्ति का कार्यक्रम लिया गया है महानगर पालिका के तरफ से, ये सभी औरतों को आह्वान किया गया है कि आप खुद के लिए खड़े रहिए, आप ये दिखाइए कि महिला होना आपकी कमज़ोरी नहीं, यही आपकी ताकत है. और महिला होने के वजह से हम लोग जो चीज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात खड़ी है एक महिला के वजह से. और ये हम सब का एक, हम लोगों को भगवान ने ये खास दिया है कि हम महिला बन के पैदा हुए हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है. ऐसे दिनों से शायद जो लोग थोड़े पीछे रहते हैं या जिनको थोड़ा बहुत डर रहता है, ये सब प्रोग्राम से हम लोग उनका भी थोड़ा सा सक्षम कर सकते हैं और उनको भी बोल सकते हैं आप खड़े रहिए, हम सब साथ में हैं. और इसी तरह से पूरी जो हमारी भिवंडी शहर है, ये पूरी शहर जागरूक हो,
ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सपोर्ट करें और बहुत अच्छी तरीके से काम करें। ये सभी जो मैडम ने बताया है सभी अलग अलग विभागों से होता है, वैसे ही अपनी खुद का, अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का टीकाकरण करना। अभी जैसे MR वैक्सीन चल रहा है, ये वैक्सीन के दरमियान भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को टीकाकरण देना और उनको रोग मुक्त करना, ये हर महिला का अधिकार भी है और उसका ड्यूटी भी है। सो थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।